नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो इस श्रृंखला का 10वां वीडियो है और जो है यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 है और फंडामेंटल राइट्स से संबंधित यह वीडियो जो है 5वां वीडियो है, इसीलिए यहाँ पर 3.5 पार्ट दिया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। और किसी को भी अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगी। और पीडीएफ फाइल को प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से जाके आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ से अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित हुआ। यानी यहाँ पर जो है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट जो है, एवोल्यूशन एक्ट 1976 की बात की गई है, तो ये अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1976 में। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, ये जो अधिनियम था, इस बंधुआ मजदूर अधिनियम में क्या था कि यहाँ पर लोगों को कर्ज दे दिया जाता था और उस कर्ज के आधार पर, इतना कर्ज होने पर उनको बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था, जिसमें उन्हें अपनी मजदूरी जो है उस कर्ज के बोझ के तले करनी पड़ती थी। जैसे ही ये उन्मूलन किया गया, यहाँ पर बॉन्डेड लेबर को सिस्टम जो है यहाँ पर रिमूव कर दिया गया, और तो उसी के साथ ही उनके कर्ज की भी अदायगी वहाँ पर कर दी, उसके साथ ही उसको समाप्त कर दिया गया। और इससे समाप्ति का संविधान में प्रोविजन भी दिया हुआ है, तो इसके लिए दिया गया अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23 इस चीज़ के लिए जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता है, जिससे कि जो है बॉन्डेड लेबर के इरेडिकेशन की बात यहाँ पर की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता का मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ इक्वलिटी में, फंडामेंटल राइट्स में कौन सा जो है इक्वलिटी का राइट्स इंक्लूड नहीं किया गया, तो देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समानता, तो बिल्कुल यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14 में क्लियर बताया गया, तो ये यहाँ पर है। सामाजिक समानता, बिल्कुल यहाँ पर सोशल जो है इक्वलिटी की बात की गई है। अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो ये भी है। आर्थिक समानता, देखिए मौलिक अधिकार में आर्थिक समानता यानी कि इकोनॉमिक जो है इक्वलिटी की बात नहीं की गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए, व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को जो है संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 21। यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट एज द राइट टू ट्रेवल टू फॉरन कंट्रीज? तो यहाँ पर आर्टिकल 21 जो है इसको प्रोटेक्ट करता है, और ये बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण केस जो है बाद में कही गई थी, जैसे मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये 1978 में बताया गया कि जो विदेश यात्रा का जो मामला है इसमें जो है ये भी फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो ठीक है, इसके साथ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? देखिए, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट, पहला तो पहला कहेंगे होता है लॉ इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सच लॉज आर वॉइड। तो वो लॉ जो है वो वॉइड हो जाएंगे जो इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं फंडामेंटल राइट से, या उनको जो है डेरोगेट कर रहे हैं, उनको जो है छोटा कर रहे हैं, या उनको जो है कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और या उनसे जो है विभेद रखते हैं, तो ऐसा विभेद रखने वाले और उनको कम करने वाले जो हैं मूल अधिकारों को, वो लॉ जो होंगे वो शून्य कहे जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर किसको इनकंसिस्टेंट कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट करने की और इनकंसिस्टेंट करने की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 जो है मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इन विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द रिजर्वेशन टू बैकवर्ड्स कास्ट शेड्यूल, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एंड इट आल्सो इंक्लूड द नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन एडेड स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस? तो ये किस में दिया गया है? तो देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ 15(4), तो 15(4) में क्या कहा गया? आर्टिकल 15(4) जो है ये बात करता है कि जो आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 है, वो किसी भी राज्य को जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के डेवलपमेंट करने से नहीं रोकेंगे, ये प्रावधान। तो ये बात जो बताई गई है, ये बताई गई है आर्टिकल 15
फोर में, क्लॉज फोर में। बाकी आर्टिकल 15 क्लॉज फाइव क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्लॉज फाइव जो है ये डायरेक्ट करता है कि यहाँ पर जो स्टेट है वो सोशली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सोशली होगा, यानी सोशली सामाजिक रूप से और एजुकेशनल रूप से, यानी शैक्षिक रूप से, सामाजिक और शैक्षिक यानी एजुकेशनल यहाँ पर हो जाएगा, एजुकेशनल रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं जिसमें कि अदर पिछड़ा वर्ग आता है, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट आती हैं, तो उनके लिए शैक्षिक संस्थानों में रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये बात किसने बताई गई, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में बताई गई है। तो बाकी यहाँ पे 16(4) क्या कहता है, देखिए 16(4) जो है वो कहता है कि सोशली और एजुकेशनली जो वीकर सेक्शंस हैं इंक्लूडिंग द ओबीसी एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए जो है सार्वजनिक नियुक्तियों में भी रिजर्वेशन की सुविधा दी गई है इसमें चार में। बाकी यहाँ पर जो 16(5) है इसमें कहा गया है कि जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर नियुक्ति के लिए जो है इस तरह का कोई भी प्रावधान जो है उसको बनाने से वंचित किया जाता है। तो ये यहाँ पर अनुच्छेद 16(5) में कहा गया, मतलब अनुच्छेद 16(5) में अगर कोई ऐसा पद है जिसमें कि किसी विशेष वर्ग जाति के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है तो वहाँ पर संविधान उसमें रोक नहीं लगाता है। तो ठीक है यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज़ द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। तो देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन दिया था। बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही हो जाती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को इंक्लूड करने के लिए रिकमेंडेशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट जो है उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और उसने इसको सपोर्ट किया था कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया जाए। और नेहरू रिपोर्ट कब की थी, नेहरू रिपोर्ट जो है ये 1928 की थी। तो आंसर यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन ए ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वायत्तता का अधिकार किसके अधीन है। तो देखिए जो अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25 क्या प्रोवाइड कराता है, अनुच्छेद जो 25 है वो हमको धर्म की स्वतंत्रता की जो है उसको स्वतंत्र रूप से मनाने बाध्य करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। और यहाँ पर जो इट इज़ द सब्जेक्ट अंडर द, यानी ये जो है इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जिसके आधार पर जो है आप जो अंतःकरण और धर्म के जो अबाध रूप से मानने के लिए इसमें जो है गवर्नमेंट और सरकार जो है कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, किस आधार पर लगा सकती है। तो पहला देखिए कई बार पीसीएस एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो पहला यहाँ पर आधार हो जाएगा पब्लिक ऑर्डर, यानी पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर जो है मोरलिटी, तो मोरलिटी के आधार पर भी यहाँ पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और लास्ट यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा हेल्थ, यानी पब्लिक हेल्थ के लिए भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। हेल्थ संबंधित यहाँ पर देखिए कई केसेस भी हैं जिसमें एक संथारा का मामला है। तो संथारा एक प्रथा है जिसमें कि व्यक्ति जो है अन्न जल ग्रहण त्याग देता है और भूखा होकर व्यक्ति जो है अपने प्राणों को त्यागता है। तो इस प्रथा को जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि ये धर्म से जा जोड़ कर कि धर्म के कारण जो लोग ऐसा करते थे, परंतु इसको रोक दिया गया क्योंकि इससे जो है हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन थी। अब देख लेते हैं ऑप्शन, सार्वजनिक व्यवस्था तो बिल्कुल यहाँ पब्लिक ऑर्डर है, स्वास्थ्य तो हेल्थ भी हो जाएगा, सदाचार यानी मोरलिटी हो जाएगा, इसके इन तीनों के आधार पर जो है इसमें कंट्रोल किया जा सकता है जो है हमें आर्टिकल 25 में। यानी आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, धर्म को अबाध रूप से मानने और जो है अंतकरण की जो है धर्म की इसमें शक्तियाँ जो है मतलब इसको आचरण करने की शक्तियाँ जो है इसमें फंडामेंटल राइट के तौर पर दी गई हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानववाद, मानववाद जो है इसके आधार पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। सो अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए भारत के संविधान, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज़ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस फॉर द रूलिंग इन इंडिया, यानी कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसके आधार पर ही शासन किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है मूल अधिकार, दूसरा है मूल कर्तव्य मीन्स फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, राज्य के नीति तत्व तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया हुआ, ऑप्शन डी दिया है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो बिल्कुल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्न अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्हीं को फॉलो करने का प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 70, कथन महिलाएं दलित निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे महिलाएं दलित निर्धन और अल्पसंख्यक जो हैं भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि अगर ये वर्ग को छोड़कर बाकी जो जो है शक्तिशाली वर्ग हैं वो तो शासन सत्ता को संभाले हुए थे, उन्हीं को हटाने के लिए लोकतंत्र लेके आए कि जहाँ पर जो है अपने बहुमत के द्वारा जिनको भी वो पसंद करते हैं उसकी सरकार को नियुक्त कर सकते हैं। तो इसी को डेमोक्रेसी कहा गया। डेमोक्रेसी में सभी को शक्तियाँ लगभग सभी को शक्तियाँ बराबर दी गई, सभी को एक वोट दिया गया है जिसके द्वारा वो अपनी अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनकर सरकार बनाने के लिए उसको आगे भेज सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर सही है ऑप्शन, देखते हैं यहाँ पर कारण। तो भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना तथा वाहक बनकर उभरा है। बिल्कुल यहाँ पर जो है भारत का जो लोकतंत्र है ये अधिक आत्मसम्मान और इसकी की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो बिल्कुल यहाँ दोनों ही चीज़ें सही हो जाएंगी, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर आंसर हो जाता है, यानी दोनों ए और आर सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन राइट इज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे संविधान के अंतर्गत एक मानव अधिकार जो मौलिक अधिकार भी है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये संविधान में मूल अधिकार के रूप में नहीं दिया है, इसको विभिन्न जो है वादों के द्वारा इसको मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया, परंतु ये संविधान में स्पष्ट रूप से मूल अधिकार के तौर पर नहीं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बाकी काम का अधिकार, तो यहाँ पर राइट टू वर्क का जो है ये भी फंडामेंटल राइट के तौर पर संविधान में नहीं दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल यहाँ पर आर्टिकल 21A ये फंडामेंटल राइट के तौर पे दिया है, राइट टू एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी मकान का अधिकार, राइट टू हाउस, तो बिल्कुल यहाँ पर ये भी फंडामेंटल राइट के तौर पर नहीं दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्न में से कौन एक नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पे गणतंत्र की बात की गई है, तो गणतंत्र का मतलब होता है यानी कि जो भी किसी राष्ट्र का अध्यक्ष है वो वंशानुगत ना चुनकर जनता के द्वारा चुना जाएगा, यानी जो भी जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्राध्यक्ष जो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, तो यहाँ पर गणतंत्र में ये होगा कि उनका पुत्र यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के तौर पर उनके पुत्र होने के नाते नहीं चुना जा सकता है। हाँ, वो सामान्य चुनाव के द्वारा खड़ा होकर अगर उसको बहुमत मिल जाता है तो वो जीतकर वहाँ पर राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु एज अ सन ऑफ प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो ये चीज़ होती है गणतंत्र में। तो देखते हैं यहाँ पहला ऑप्शन है, एक राज्य में जिसमें जनता सर्वोच्च, बिल्कुल यहाँ पर जनता सर्वोच्च होती है और उसके द्वारा प्रतिनिधियों के द्वारा ही जो है राष्ट्राध्यक्ष को चुना जाता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती, बिल्कुल यहाँ पर जो निर्वाचित प्रधान होता है उसी में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था में सर्वोच्च शक्तियाँ जो है वो विभिन्न व्यक्तियों में जो है डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वहाँ पर एक व्यक्ति के पास ही सारी शक्तियाँ नहीं होती हैं, जैसे कि जो है मोनार्की में क्या होता है कि एक व्यक्ति है उसी के अंतर्गत सारी शक्तियाँ निहित होती हैं, वो जैसे राजा है, राजा के पास सारी शक्तियाँ होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग सब लोग कार्य करते हैं, परंतु गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। बाकी यहाँ पर एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से होती, बिल्कुल यहाँ पर गणतंत्र में ऐसी सरकार होती है जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा बनी होती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम है इसके अंतर्गत जो है एक व्यक्ति को जो है विदाउट एनी केस इंस्टीट्यूटिंग एनी केस डिटेन अप टू 3 मंथ, उसको डिटेन 3 महीनों तक के लिए उसको डिटेन किया जा सकता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये जो प्रावधान है ये संविधान में भी दिया गया, तो संविधान में अनुच्छेद 22(4) में ऐसी बात कही, यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक भेजा जा सकता है, उसके बाद कमेटी बनाई जाएगी, उसके निर्णय के अनुसार ही कार्य किया जाएगा, तो ये चीज़ थी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त की गई है? तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ बताया गया है कि इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट्स टू द अरेस्टेड पर्सन्स, तो यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी किसी भी व्यक्ति का धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश इत्यादि जन्म स्थान आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हो, नलकूप हो और जो है भोजनालय में हो, इस तरह कहीं भी उसके साथ इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, ये बताया गया आर्टिकल 15। आर्टिकल 17 कहता है द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत का जो है निराकरण किया जाएगा, उसको समाप्त किया जाएगा, छुआछूत की जो समस्या है समाज में उसको दूर किया जाएगा, तो ये आर्टिकल यहाँ पर 17 है।
बाकी यहाँ पर आर्टिकल 20 है, तो आर्टिकल 20 सॉरी आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की जो है उस बात करता है, उसमें संरक्षण की बात करता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 20 हो जाए 21 हो जाएगा। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 जो है ये प्रोवाइड कराता है राइट टू द अरेस्टेड और डिटेन्ड पर्सन। तो जो इसमें आर्टिकल में जो है राइट्स दिए गए हैं, राइट किस तरह के, यानी जो अरेस्टेड पर्सन है उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पहला तो राइट यही होगा कि उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि ऑन द व्हाट आर द ग्राउंड ऑफ अ हिज अरेस्ट, किस आधार पर उसको अरेस्ट किया गया है, पहला तो यही ग्राउंड होगा। और उसको ग्राउंड्स बताए जाएंगे सारे, ऑल द ग्राउंड्स आर डिस्क्राइब्ड हिम, तो उसको वो ग्राउंड्स बताए जाएंगे। तीसरा यहाँ, दूसरा यहाँ पे कि ही हैज़ अ राइट टू कंसल्ट एडवोकेट और अ लीगल प्रैक्टिशनर एज देयर चॉइस, अपनी पसंद के अनुसार जो है वो व्यक्ति जो है जो अरेस्टेड पर्सन है वो एडवोकेट से या वकील से जो है चर्चा कर सकता है, और उस उनको जो है अपने केस के बारे में बताएगा और उनको चुनेगा अपने केस की पैरवी के लिए। तो ये चीज़ हो जाती है। बाकी इसमें तीसरा जो है वो है कि उसको प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स किया जाएगा आफ्टर अरेस्ट, यानी अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये चीज़ आती है। बाकी यहाँ पर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की उसकी जो एज होगी, मतलब टाइम होगा, वो टाइम मैक्सिमम 3 मंथ से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई। उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड है और उसकी अपॉइंटमेंट होगी, और उसके बाद जो जो भी वहाँ डिसीजन लिया जाए वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में की गई, तो ये की गई है अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्न में से कौन सा बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। सो राइट टू फ्रीडम में यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा अधिकार है जो टू असेंबल अ पीसफुली विदाउट आर्म के अंतर्गत नहीं आता है। तो सबसे पहले तो टू असेंबल अ पीसफुली विदाउट आर्म जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार हमको किस अनुच्छेद में दिया है, ये दिया गया आर्टिकल 19(1)(b) में। आर्टिकल 19(1)(b) में हमको टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, शांतिपूर्ण रूप से और निर्युद्ध मतलब बिना हथियार के जो है सम्मेलन करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया। खास बात यहाँ ये अधिकार नागरिक को दिया गया, सिटीजन शब्द को दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है घेराव अवसर अवसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अधिकारियों की बात ना करके यहाँ नागरिक को ही अधिकार दिए गए, ना कि किसी पुलिस अधिकारी आर्मी और इन सब लोगों को इसमें इस तरह के अधिकार नहीं दिए कि वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट से ये कोई रिलेशन नहीं है। तो बिल्कुल आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। बाकी ऑप्शन बी है शांतिपूर्ण इकट्ठा होना। बिल्कुल यहाँ पर शांतिपूर्ण इकट्ठा होना जो है वो आर्टिकल 19(1)(b) में जो है प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है, और ये जो है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। बाकी एकत्रित जनता जिसको हथियार नहीं रखने चाहिए, बिल्कुल ये भी यहाँ कंडीशन फुलफिल हो जाती है। बाकी ऑप्शन डी है इस अधिकार के अभ्यास में राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण परिवर्तन प्रतिबंध लगा सकता है। बिल्कुल यहाँ पर जो है गवर्नमेंट यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, और तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले 15 क्वेश्चनों को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो आपसे लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन है जो उसे जरूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज जो है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।